हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर चुके थे और उसका फर्स्ट पार्ट प्लस उसका इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज बोर्ड पर लिखी हुई है, इसको समझते इसमें करना क्या है तो देखते हैं। यहां पर आपको क्या कहा है, आपको दो पॉइंट दे रखे थे, एक तो दे रखा था 4, -1 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा था -2, -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मान लिया, एक को ए और दूसरे को मान लिया मैंने बी। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाया गया है, तो चलो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो ये देखो, एक को नाम मैंने ए दिया और एक को नाम दे दिया मैंने बी, और इनको मिला दिया और इसकी वैल्यू आपने यहां रख दी 4, -1 और यहां वैल्यू आपने रखी -2, -3। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है, उसको क्या किया गया है, ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट मतलब समत्रिभाजित, जिसे बोलते हैं अपन समत्रिभाजित। इसका मतलब यह है कि इस लाइन के तीन बराबर पार्ट किए गए, तीन बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो इसका मतलब समझना, यहां पर किसी भी लाइन को तीन टुकड़ों में बांटने के लिए आपको कितने कट इस पर लगाना पड़ेंगे। तो देखो मैंने एक कट लगाया जिससे इसके कितने टुकड़े हुए, एक और दो। अगर मैं इस पे एक और कट लगा देता हूं तो 1, 2, 3 इसके तीन टुकड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि तीन बराबर पार्ट करने के लिए किसी भी लाइन को दो कट की जरूरत है। तो यहां पर दो कट मैं लगा देता हूं, एक तो यहां पर और एक यहां पर। इसको नाम देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q। और देखो मैंने यहां लिख भी रखा है, मान लिया मैंने कि दो पॉइंट थे, एक तो P और Q, वो क्या कर रहे थे, इनको मिलाने वाली लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट मतलब समत्रिभाजित कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, समत्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब तीनों के तीनों पार्ट जो है वो इक्वल होंगे, क्या होंगे, बराबर। और इस कंडीशन में जो रेशियो आता है, इनका अनुपात जो आता है, वो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या होगा, 1:1:1। इसका रीजन देखो मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, क्योंकि तीनों इक्वल लेंगे अपन, तो आपको जब इसका रेशियो लोगे, अनुपात लोगे, तो इसकी सिंपल फॉर्म बनाओगे तो तीनों के तीनों 5 से कट हो जाएंगे और आपको रिजल्ट लास्ट में क्या मिलेगा, 1:1:1। अगर बात करें इसको 2 लेना चाहते हैं आप, इसको भी 2 लेना चाहते हैं, इसको भी 2 लेना चाहते हैं, तो इसका भी रिजल्ट लास्ट में 2 से कट होने पर क्या बनेगा, 1:1:1। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, तीनों पार्ट का रेशियो 1:1:1 लिखा है। अब देखो इसके बाद इसने क्या कहा है आपसे कि आपको इनकी वैल्यू निकालना है, एक तो P की और एक Q की आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए देखो मैं दोनों को अलग अलग डायग्राम से बताता हूं। यहां पर जैसे कि मैंने A को तो यहां लिख लिया और B को यहां लिख लिया। A की वैल्यू कितनी थी, 4, -1 और B की वैल्यू थी आपके पास -2, -3। अब देखो मैं सिर्फ P को निकालना चाह रहा हूं, तो P को ही रखूंगा यहां पर मैं 2 मिनट के लिए और Q को 2 मिनट के लिए गायब कर देंगे। अब P को जैसे मैंने यहां रखा, P के इधर कितना पार्ट दिख रहा है आपको, P के इधर ओनली 1 पार्ट दिख रहा है, और Q की तरफ देखें अपन, P के इधर की तरफ देखें तो इधर देखो P के इधर की तरफ 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर की तरफ 2 पार्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो P है वो इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको 1:2 में डिवाइड करता है, मतलब 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। और आपको पता चल गया ये M1 है और ये M2 है, ये X1 Y1, ये X2 और Y2। आपके पास फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला जिसे विभाजन सूत्र बोलते हैं, और मैंने जैसे कहा है आपको भी वैसे इसको लर्न करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं इससे इजी पड़ता है। तो M1 + M2 / M1 + M2, यहां पर भी आप लिखना M1 + M2 / M1 + M2। अब देखो आपको पता है यहां आगे x आएगा, यहां पीछे y आएगा, आपको पता है 1 के साथ 2 आता है, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। अब वैल्यू तो रखना है जिससे p आपको मिल जाएगा, तो वैल्यू रखते हैं। देखो सबसे पहले आप m1 m2 की ही वैल्यू रखो, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2। तो यहां पर देखो m1 m2, यहां पर भी m1 m2, तो 1 2 1 2, यहां पर भी 1 2 1 2 आ जाएगा, तो 1 2, यहां पर भी 1 + 2, फिर इधर भी यहां पर ऐसा आ जाएगा 1 2 और नीचे भी आ जाएगा 1 और 2। M1 M2 अपन ने रख दिया। बात करते हैं X2 X1, तो X2 आपके पास -2 है और X1 आपके पास कितना है, X1 आपके पास है 4, Y2 आपके पास कितना है -3 और Y1 आपके पास कितना है -1, और ये किस में आएगा, N2 में आएगा, ध्यान रखना है ना। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 2 1 2 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। 2 2 कितना होता है भाई, 4 हो जाता है,
और अपॉन में इन दोनों को जब सॉरी टू 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 फोर कितना होता है एट, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो थ्री आएगा। यहां पर बात करते हैं वन को थ्री से इंटू करेंगे तो थ्री, वो भी माइनस का। टू को वन से इंटू करेंगे तो टू, वो भी माइनस का। और अपॉन में बात करते हैं दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा थ्री। अब इसको आगे अपन ने सोल्व किया तो सोल्व करने पर ये अलग अलग साइन थे, माइनस हो जाएंगे तो सिक्स आएगा, और बड़ा प्लस का इसलिए प्लस का सिक्स आएगा और अपॉन में थ्री। यहां पर दोनों सेम है तो इन्हें जोड़ देंगे तो माइनस का फाइव अपॉन थ्री। अब देखो ये थ्री से कट हो जाएगा कितनी बार, दो बार। तो कहने का मतलब जो सोल्व होने पर जो रिजल्ट मिला वो मिला टू कोमा माइनस का फाइव अपॉन थ्री, और ये किसकी वैल्यू बताएगा आपको, पी की। और आपका ये क्या चुका है, आंसर आ चुका है, तो पी आपको मिल चुका है। बात करते हैं क्यू की, तो क्यू की बात करेंगे तो क्यू को निकालने के लिए देखो फिर से लाइन बनाते हैं दो मिनट के लिए। आपको ए यहां रख देना है, आपको बी यहां रख देना है, और क्यू देखो किस पोजिशन पे था, क्यू इस पोजिशन पे था तो क्यू को यहां रख देंगे। अब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ आएगा फोर कोमा माइनस का वन, और यहां पर आएगा आपके पास माइनस का टू कोमा माइनस का थ्री। अब बात करते हैं क्यू के रेशो की, तो क्यू के इधर की तरफ देखो भाई कितना रेशो है, सिर्फ एक, तो यहाँ एक लिखाई में आ जाएगा। बात करते हैं क्यू के इधर की तरफ, तो क्यू के इधर की तरफ ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, कितने टुकड़े आ गए दो, तो इसका मतलब इधर का जो वैल्यू आएगा वो टू आएगा। अब आपको पता है कि ये एम वन है और ये एम टू, और ये एक्स वन वाई वन वो एक्स टू वाई टू। क्यू को निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो देखो यहां पर पहले वही m1 plus m2, m1 plus m2 रखेंगे, और m1 की जगह कितना है 2 और m2 की जगह 1, तो 2 plus 1, नीचे भी आएगा 2 plus 1, फिर यहां पर भी आएगा 2 plus 1 और नीचे भी आएगा 2 plus 1। अब वैल्यू रखते हैं यहां पर बाकी जो बचे हुए हैं, कौन बचे हुए हैं, एक्स टू और एक्स वन। तो एक्स टू आपको पता है कितना है, माइनस का टू, और एक्स वन आपको पता है कितना है, फोर। y2 की बात करें तो y2 आपके पास है माइनस का 3 और y1 आपके पास है कितना, माइनस का 1। चलो सोल्व करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो 2 2 जा 4 वो भी माइनस का, 1 4 जा 4 वो भी प्लस का, और अपॉन में दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3, 2 3 जा 6 वो भी किसका, माइनस का, 1 1 जा 1 वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और नीचे दोनों प्लस होंगे तो 3। अब देखो यहां पर इसको सोल्व आगे करें तो 4 प्लस का 4 माइनस का डिफरेंस है ना, माइनस कर दो तो माइनस करने पर 0 आएगा और अपॉन में 3। ये दोनों सेम है तो इन्हें प्लस कर देंगे 7 और माइनस का साइन एज इट इज, और यहां पर 3। 0 किसी से भी कट जाता है कितनी बार, 0 बार, और यहां पर क्या चल रहा है, माइनस का 7 अपॉन 3, जिससे आपको क्या मिला, सोल्व करने पर क्यू की वैल्यू मिली। इसी के साथ आपको पी भी मिला और क्यू भी मिला, पी ये रहा, क्यू आपका ये रहा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला कंप्लीट हुआ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।